उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक व्यक्ति को हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। मामला सीतापुर के लहरपुर का बताया जा रहा है। यहाँ के निवासी जावेद पुत्र रईस निवासी बागवानी टोला थाना लहरपुर ने फेसबुक पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट डाल दी, जिसके बाद हिंदू शेर सेना के तहसील अध्यक्ष अमित हिंदू ने उपरोक्त मामले की जानकारी लिखित रूप से लहरपुर कोतवाली प्रभारी को दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उपरोक्त व्यक्ति ने हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट की है। मामले की गंभीरता देखते हुए लहरपुर कोतवाली हरकत में आई और जावेद खान को हिरासत में लिया। पुलिस ने जावेद पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में 295A IPC एवं 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले जावेद को हिरासत में ले लिया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पूछताछ जारी है। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट। सीतापुर में हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने का मामला एक सामने आया है, जहां हिंदू शेर सेना ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद जो आरोपी है सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है। हम जानेंगे, सीतापुर में हम पहुंचे हुए हैं और यहां पर हम पूछेंगे हिंदू शेर सेना से ही कि क्या पूरा मामला था और क्या पुलिस ने कार्रवाई की। सर, क्या पूरा मामला था? देखिए, लहरपुर का एक निवासी है जावेद खान, ये कई दिनों से अपने फेसबुक पर हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा था। अभी इसने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट किया था, 2-3 दिन पहले, जिसमें इसने ये दिखाया था कि एक बंदर था, वो नवाज पढ़ते हुए दिखाया, और उसमें जो पीछे से बोला जा रहा था कि देखो तुम्हारे हनुमान जी भी नवाज पढ़ने लगे, हनुमान चालीसा छोड़ के, और ये है तुम लोग भी एक ही अल्लाह को मानो, ये वो सब बातें वो कर रहा था। तो जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली तो हमारी टीम ने वहाँ जाके लहरपुर थाने में जाके उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है। कुछ धाराओं में उसके ऊपर FIR लिख दी गई है और मेरे ख्याल से अभी तक वो जेल भेज दिया गया होगा। आगे क्या कार्रवाई? देखिए, सीधा सा संदेश है कि हम किसी के धर्म को छेड़ते नहीं। अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई आघात करता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, तो उसको हम बख्शेंगे भी नहीं। और मैं लहरपुर के जो हमारे SO साहब हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे ही उनके पास FIR पहुंची, जैसे ही एप्लीकेशन पहुंची, उन्होंने मामले की तुरंत जांच करी और अपराधी को विद इन 10 मिनट्स में उसको सलाखों के पीछे। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि कोई भी तीन धाराएं कानून में नहीं है ऐसी जिससे कठोर से कठोर सजा दी जा सके, इस पे आप लोगों का क्या आगे स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारी मांग है सरकार से कि ऐसी मतलब जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके के ये लोग इन लोगों की बातें हैं, जिस तरीके से हमारी देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो इनके खिलाफ कुछ ऐसा एक कानून बनना चाहिए कि भविष्य में कोई भी इंसान हमारे देवी देवताओं को लेकर कोई भी टिप्पणी ना कर सके, कोई भी उनके अभद्र भाषा ना यूज करे, ना फेसबुक पे, ना मौखिक कोई भी तरीके से। तो इसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बार बार जो है हिंदू टारगेट होता है और ऐसी अभद्र टिप्पणी उनकी तरफ से की जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक आपको लगता है? देखिए, लॉजिक साफ है। जिस तरीके को इन लोगों ने, देखिए आज ये एक घटना नहीं है, यहाँ से लेके दिल्ली कर्नाटक हर जगह आप जाइए, देखिए कहीं पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पे अलग अलग तरीके से हमारे भगवानों को अपमानित किया जा रहा है। तो ये हमारे अंदर कमी है कि अगर एक राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ही केवल इस मुद्दे को ना उठाए, जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं सीतापुर के अंदर या कहीं भी हिंदू संगठन है, उन सबको मिलके इन जिहादियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, और जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करे ऐसे ही उनको सजा देनी चाहिए, कानून के हिसाब से उनको सीधे जेल की सलाखों के पीछे। ऐसी कहाँ से इनको प्रेरणा मिलती है ऐसे काम जो ये करते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, देखिए वो चाहे लव जिहाद ले लीजिए आप, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक पेपर की कटिंग में लव जिहाद वालों के रेट निकले थे कि आप ब्राह्मण लड़की को लाइए तो इतना, ठाकुर को लाइए इतना, वैश्य को लाइए इतना, सिख को लाइए इतना, सब रेट कार्ड है। तो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, बहुत बड़ी फंडिंग है इनके पास, जिस तरीके से हमारे लोगों का धर्म, आप ये देखिए, मैं इनको ही नहीं कहूँगा ये, मतलब ये एक धर्म केवल, आप ईसाइयों में देखिए किस तरीके से अभी 400 लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था सीतापुर के अंदर, वो तो मतलब पुलिस की मतलब टीम पहुंची वहाँ, उन्हें फुर्ती दिखाई तो वो चीज़ रोक दी वहाँ पे, नहीं तो आज भी बहुत जगह ऐसे हैं, आज अब रेवसा में देख लीजिए और एक और जगह है तेंदुआ एक गांव है वहाँ देख लीजिए, आज भी वहाँ धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, जो हमारे दलित समाज के हैं,
इनको बहला फुसला के, पैसा दे के, नौकरी का लालच दे के इनका धर्म परिवर्तन करा। तो इस पे भी कानून बनना चाहिए और जो इसमें दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज? देखिए अभी हम क्या है, प्यार से समझा रहे हैं क्योंकि हम संविधान की और कानून की हमेशा इज्जत करते हैं, पर अगर आप नहीं मानेंगे तो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का हर एक सिपाही आपको ये करने से रोकेगा और सजा आपको ऑन द स्पॉट देगा। जैसा आपने अभी सुना कि हिंदू शेर सेना का स्टैंड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आगे से कोई भी ऐसी अगर टिप्पणी की जाती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।